इंडिया आप तक समाचार कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। चुनाव की चहलकदमी अब शुरू हो चुकी है, ये सभी को ज्ञात हो चुका है। जिस तरीके से लगातार मोदी जी, अमित शाह जी, बाकी के लोग जगह जगह पर भाषणबाजी, रैलियां और मन मिलाप कर रहे हैं, उस तरीके से ये सबको समझ में आने लगा कि अब चुनाव बहुत जल्दी होगा। आचार संहिता जो है वो अब बहुत जल्दी लग जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 तारीख के पहले आचार संहिता लग जाएगी, जिसके बाद सारी घोषणाएं हो जाएगी। पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों को घोषित करने शुरू कर दिया है पार्टियों ने। बीजेपी हालांकि थोड़ा सोच समझ कर रणनीति बनाकर कर रही है काम। कुछ जगहों के लिए बीजेपी ने भी हमने उम्मीदवारों की घोषणा तो कर दी है, लेकिन महाराष्ट्र में गणित जो है वो जरा गड़बड़ है। गड़बड़ इसलिए है कि महाराष्ट्र में एकनाथ राव शिंदे, इनकी पार्टी यानी शिवसेना को भी उन्होंने एक साथ जोड़ लिया था, अजित पवार की राष्ट्रवादी को भी उन्होंने एक साथ जोड़ लिया है, और बीजेपी भी है। ये तीनों मिलकर बीजेपी कहती है कि मुझे एक बड़ा हिस्सा चाहिए, 80% में मैं रहना चाहती हूं, बीजेपी कहती है, और बाकी आप लोग आपस में बांट लीजिए। इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं तड़जोड़ चल रहा है, मन मुटाव भी हो रहे हैं, ये सारी खबरें हैं। अमित शाह जी अभी आए थे तो उन्होंने कहा है कि भाई अभी इसी तरीके से करना पड़ेगा, हम सब मिलजुल कर काम करेंगे। जलगांव उसमें बहुत हॉट है। जलगांव में हॉट होने की वजह आपको बताता हूं। एकनाथ राव खड़से जलगांव के हैं, रक्षा खड़से जलगांव की है, ससुर जो है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस में है, बहू जो है वो बीजेपी में है। ससुर जी कहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूंगा बीजेपी में। रक्षा खड़से हैं, वो भी कहते हैं मैं भी चुनाव लड़ूंगी। अब इस तरीके से सभी की इच्छाएं तो हैं चुनाव लड़ने की, लेकिन बीजेपी है, कुछ भी कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा अनुमान लगाया है कि जलगांव और रावे, ऐसा पता चल रहा है कि दोनों जगह पर सीट्स बदल दी जाएगी। अब दोनों जगह पर सीट्स बदल दी जाएगी तो अनुमान यह भी लगाया जा रहा है, बहुत सारे लोग रेस में हैं। रावेर में अमोल जावले, जो पूर्व सांसद हरिभाव जावले के सुपुत्र हैं, आपको बताते चलो कि पूर्व सांसद हरिभाव जावले जो हैं वो सांसद थे। एकनाथ राव खड़से जी जब पावर में थे तो उन्होंने अपनी पावर लगाते हुए सांसद को विधायक बना दिया था और अपनी बहू को सांसद के चुनाव में न सिर्फ खड़ा किया बल्कि उनको चुन के भी लेके आए गए थे। मतलब जो सांसद थे वो अच्छे थे। हरिभाव जावले का स्वभाव बहुत अच्छा था, आज भी लोगों ने याद करते हैं। उनको हटा दिया गया था और रक्षा करते को वहां पर बैठा दिया गया था। रावेर लोकसभा मतदार संघातून हरिभाऊ जावळे यांचा पत्ता कट करण्यात एकनाथ खडसे यांना यश आले। आघाडीच्या 10 उमेदवारांमध्ये हरिभाऊ जावळे यांचं नाव जाहीर झालं असताना अचानक त्यांचं नाव कट झाल्यानं जावळे नाराज झाले। जावळे यांची नाराजी दूर करण्यासाठी भाजपचे वरिष्ठ पदाधिकारी त्यांच्या भालोद ह्या गावात रात्री 2 वाजेपर्यंत तळ ठोकून होते। रावेर मतदारसंघासाठी विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी आपल्या सुनेला म्हणजेच रक्षा खडसे यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी प्रदेश कार्यकारिणीवर दबाव आणल्याची चर्चा आहे। जावळे यांच्यासारख्या अनुभवी खासदाराबाबत पक्षानं अशी भूमिका घेतल्यानं पदाधिकाऱ्यांनाही नाराजी व्यक्त केली आहे आणि तिकीट कापल्याची बातमी येईपर्यंत जावळे मतदारसंघात प्रचार करत होते। मात्र एकनाथ खडसे यांनी त्यांना मोबाईलवरून प्रचार थांबवण्यास सांगितलं, त्यानंतर ते आपल्या भालोद ह्या गावी परतले। सध्या ते कमालीचे नाराज असले तरी त्यांनी संयमी भूमिका घेतली आहे। मला माहिती नाही की माझी उमेदवारी कॅन्सल कशामुळे झाली, तेच तर मी विचारतोय पक्षाला की मला कारण तर परिस्थितीमुळे, तर परिस्थिती काय आहे हेच मला माहिती नाही, परिस्थितीमुळे कशामुळे। एक मागे मला एक पेपरमध्ये मी मला जाणत होतं की नातवाने म्हणायचे की तुम्ही खूप नाराज आहेत, हजारो फोन मला येत आहेत, आता मी 5 वर्ष काम करतो आहे, तर इतकं मला काही कुठे नाराजी दिसलीच नव्हती। त्यांचं म्हणणं एवढंच होतं आणि ते खरं साधारणतः खरं आहे की मला थोडं वरतून दिल्लीहून कोणी फोन केला असता एखाद्या नेत्याने केंद्रातून किंवा प्रदेशातल्या एखाद्या मोठ्या नेत्याने फोन केला असता मला की बाबा असं असं कारण आहे आणि तुमचं तिकीट कापण्यात येतं आहे, डायरेक्ट हातामध्ये फॅक्स देणं, फॅक्स करून पत्र पाठवणं की तुमची उमेदवारी कापलेली आहे, कमी करण्यात आलेली आहे, हे मला वाटतं एवढ्या मोठ्या माणसाला की तो 2 टर्म 3 टर्म या ठिकाणी लोकप्रतिनिधी आहे अशा माणसावर मला वाटतं ते थोडं अन्यायकारक।
अब जो प्रक्रियाएं चल रही है इसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि फिर से वही वापस दोहराया जाएगा। अब की बार रक्षा खर्चे को बैठा दिया जाएगा और अमोल जावले जो हरिभाव जावले के सुपुत्र हैं उनको मौका दिया जाएगा कहीं ना कहीं, और उनके पीछे पार्टी का भी समर्थन है, इस बारे में कोई दो राय नहीं बताई जाती है। और यंत्रणा तो यह बताती है कि ऐसा हो सकता है, बीजेपी है क्या करेगी कोई फिक्स नहीं बता सकता है। दूसरी तरफ जलगांव जो क्षेत्र है उसके लिए भी रस्साकसी चली रही है। उन्मेष पाटिल जो है उनको तो इंस्टाग्राम पे पोस्ट आई थी एक बार कि ये उन्मेष पाटिल जो सांसद है वो कहीं मिल जाए तो हम लोगों को बता देना, मतलब वो जलगांव में ध्यान ही नहीं दे रहे थे, वो कहां थे किसी को पता ही नहीं था, तो लोग इंस्टाग्राम पर उनको ढूंढ रहे थे, इनाम तक रख दिया था। काफी सारे कमेंट्स ऐसे अजीबोगरीब कमेंट्स रहते हैं सोशल मीडिया पर जिसको पढ़कर हंसी भी आती है। तो उन्मेष पाटिल जो है उनको अप टू मार्क नहीं मानती है जलगांव की जनता, जलगांव की जनता में रोष है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से वहां यहां भी जलगांव में भी पलटी हो सकता है। उन्मेष पाटिल को हटाकर बीजेपी किसी दूसरे उम्मीदवार को लाएगी, अब किसको ला सकती है, स्मिता वाघ को ला सकती है, एटी नाना पाटिल को ला सकती है और रोहित निकम को ला सकती है। इन तीनों में भी एटी नाना पाटिल के विवादित वीडियो और फोटोज की वजह से उनका पत्ता कट गया था, तो उसको वापस से लाना थोड़ा क्रिटिकल होगा बीजेपी के लिए। स्मिता वाघ जो है वो अमन लेन में रहती हैं, उनकी ग्रीप है, वो काम किया करते हैं, लेकिन कितने सक्सेस में आएंगे वो, उनके व्यवहार बाकी लोगों से कैसे हैं, विधायकों से कैसे हैं ये पता नहीं, तो उनके बारे में अंदाजन लगाना जरा कॉम्प्लिकेटेड ही है। रोहित निकम जो हैं वो अभी भाजपा के उपाध्यक्ष भी हैं, जिला उपाध्यक्ष भी हैं। रोहित निकम जो हैं वो उज्जवल निकम जो सरकारी वकील थे जिन्होंने कसाब का मैटर लड़ा था आतंकवाद के खिलाफ, जो कहीं ना कहीं लड़ रहे थे, उनके भतीजे हैं। तो रोहित निकम का पलड़ा जो है वो बहुत भारी नजर आ रहा है, क्यों, क्योंकि रोहित निकम जो हैं इनके जिले के जितने भी विधायक हैं, गिरीश महाजन हो या चौहान हो या अनिल पाटिल हो, गुलाबराव पाटिल हो, इन सबसे व्यवहार बहुत अच्छा है, वो लोगों के काम भी किया करते हैं समाज सेवा के रूप में। दूसरा ऐसा है कि आरएसएस से भी संबंध रखते हैं, तो सारे निचोड़ जब मिलाते हैं, जब कैलकुलेशंस किया जाता है, तो कैलकुलेशन में रोहित निकम का पलड़ा जो है वो बहुत भारी जलगांव में लग रहा है। अगर जलगांव में कोई पलटी होती है, कोई बदलाव होता है, तो रोहित निकम को बड़ा अवसर मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी हाल ही में मैंने दिखाया भी था, जब अमित शाह जी आए थे तो उस समय रोहित निकम जो है वो फ्रंट पेज पे, एक लोकल अखबार जो है उसके फ्रंट पेज पे उनका विज्ञापन उन्होंने दिया था, बाकी जो विधायक और सांसद है वो अंदर के मतलब पीछे के पन्नों पर कहीं थे। तो खैर ये विज्ञापन की वजह से तो कोई नहीं चयन किया जा सकता है, लेकिन उनका पलड़ा जो है वो लोकप्रियता में भी अच्छे हैं, उनका उनको साथ मिलेगा, उनके चाचा जी उज्जवल निकम का भी, और कहीं ना कहीं आतंकवाद के मुद्दे को भी यहां पर भुनाया जा सकता है। आतंकवाद से रिलेटेड कसाब का मैटर उज्जवल निकम जी लड़ रहे थे, यहां विधायकों का साथ भी इनके साथ रोहित निकम के साथ है, जो कार्यकर्ता हैं वो भी रोहित निकम के व्यवहार को पसंद करते हैं। रोहित निकम से मैं अभी तक जब भी मिला हूं बहुत ही मृदुल स्वभाव के हैं, मैंने उनको मतलब हाइपर होते हुए नहीं देखा है, वो कार्यालय में भी जब किसी से मिला करते थे तो बहुत अच्छे तरीके से मिला करते हैं, तो उनके व्यवहार बाकी सारी चीजों को देखकर उनको मार्क दिया जा सकता है। चूंकि वो जलगांव में ही रहते हैं इसलिए लोग भी जानते हैं उनको, उनके अंदर उनके परिवार के अंदर जो इच्छाएं हैं समाज सेवा की, आरएसएस से जो लोग जुड़े रहते हैं उनमें अपनी एक धुन रहती है और ये धुन रोहित निकम में भी है। तो यहां ये कहना गलत नहीं होगा कि रोहित निकम को एक बड़ा मौका मिल सकता है, वहीं उन्मेष पाटिल का पत्ता कट हो जाएगा, इधर अमोल जावले को मौका मिल सकता है और रक्षा खड़से का पत्ता कट हो जाएगा। जब रक्षा खड़से का पत्ता कट होगा तो बता रहे हैं लोग, अनुमान लगा रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। देखते हैं अभी कौन कहां चुनाव लड़ता है और क्या क्या होता है, ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता ही चल जाए, लेकिन फिलहाल जो हवाएं चल रही है उसमें रोहित निकम एक नंबर पर आ रहे हैं जलगांव में। जय हिंद। गहने जो सजाए हसीन लम्हों को,
हजारों डिजाइन्स जो बने मुस्कुराहट की वजह, विरासत जो जगाए हर मन में विश्वास, रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है।